आज देखेंगे हम जो कैलकुलेटर से आपको डेट ऑफ बर्थ कैसे निकलना है। देखिए, पहले आपको कैलकुलेटर ढूंढना है, जहाँ पे है वहाँ पे आपको पहले जाना है। यहाँ पे मेरा जो विंडोज 11 है, तो मैं 11 में अब यहाँ पे कैलकुलेटर सर्च कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे कैलकुलेटर आ गया। तो कैलकुलेटर आने के बाद आपको यहाँ पे ऐसी कैलकुलेटर मिलती है, ये नॉर्मल से मिलती है, जो नॉर्मल नॉर्मल कैलकुलेटर रहते हैं। और जो आपको जो डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ कैलकुलेटर होती है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आ गया। तो फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ, पहले आपको कंप्यूटर डेट ऑफ टाइम जो डेट होती है ये पहले ठीक कर लेना है। ठीक ठाक है तो ओके है, तो यहाँ पे शो होगा। जो आपको ओके है तो यहाँ पे शो होगा। तो फिर यहाँ पे टू होती है, आपको डेट कितना है, ईयर कितना है, यहाँ पे लिखना है। देखिए पहले यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2001 है, यहाँ पे क्लिक किया 4 जनवरी और 2 तारीख के है। देखिए यहाँ पे मेरा 21 साल 6 मंथ और 2 वीक 4 डेज होती है। एक कॉपी करके आपको ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर दिए, यहाँ पे आपको कॉपी करके और दूसरा एक फाइल बनाना है। यहाँ पे देखिए दूसरा फाइल बना के यहाँ पे सेव कर रखना है, यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे आ गया, तो पहले सेव कर लेना है। ऐसे करके आपको सेव कर रखना है, जो भी आप ऑनलाइन अप्लाई करती है तो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना। देखिए टोटल आ गया कितना साल हो गया, तो देखिए 21 साल हो गया। ऐसे करके आपको डेट ऑफ बर्थ आप निकल सकती है।